Hello, everyone. Welcome back to HM Chemistry Channel. Myself, Dr. Manvinder, here, and I welcome you all in this platform. And this is a, again a very, very important topic in the exam dose series: halogenation of alkenes. हैलोजिनेशन जब भी अल्किन की करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं एंड दिस इज अ हॉट एरिया फॉर योर एम क्योंकि यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें बिकॉज बड़े सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि वीडियो का पता नहीं चलता मेरे पास मैसेज आते हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ओके तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते क्या करना है कमेंट में जरूर बता के जाना है कि आपको कैसे समझ आया नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हेलोजीनेशन इन द एल्कीन ओके हेलोजीनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन एक्स में बी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड फ्लोरीन ओके एनीथिंग कैन बी देयर ओके नाउ हम यहाँ पे क्या करते हैं मेरे पास एल्कीन है तो kind of okay? यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है विसिनल डाइहेलाइड वाई आई एम राइटिंग विनल क्योंकि ये सक्सेसिव वन टू बिल्कुल साफ साफ वाले कार्बन पे अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स ठीक है अब हेलोजीनेशन जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ तो ईजी है कि उसको आप हैंडल कर सकते हो बट इन द केस ऑफ आयोडीन इट इज टू स्लो बहुत बहुत ज्यादा स्लो है एंड इन द केस ऑफ फ्लोरीन इट इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव तो वी कांट टू दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इन द तो हमारे पास ज्यादा पॉसिबिलिटी बचेगी Cl2 एंड Br2 की जो आपको पेपर में मिलेगा राइट right? तो अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास किस तरह की एडिशन होगी कैसे हैं ठीक है अब देखो कि हमारे पास ना दो फैक्ट हैं जो ये बताते हैं कि क्या क्या एडिशन होती हैं या कैसे नहीं हेलोजन हमारे पास एड होता है पाई बॉन्ड पे कहाँ एड हो रहा है पाई बॉन्ड पे क्यों क्योंकि पाई बॉन्ड जो है आर पोलराइजेबल पोलैरिटी होती है यहाँ पे पोलैरिटी का मतलब हम अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे हल्की पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और यहाँ पे भी अगेन पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं अगर नेगेटिव है तो ये इसको ले लेगा ये निकल गया और दोबारा ये इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ अटैक हो गया ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी जिसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं बट यहाँ पे अगर हम अगर मैं एग्जाम्पल लू साइक्लोहेगिन का ठीक है मान लो ये साइक्लोहेगजीन है वी आर एडिंग ब्रोमीन ऑन इट तो यहाँ पे ना हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट बनता है ध्यान से देखना एक ब्रोमीन अगर मैंने ऐसे लगाई है तो सेकेंड ब्रोमीन मैं आउट ऑफ द प्लेन और इन प्लेन ठीक है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन सॉरी तो दीज आर द राइट स्टेटमेंट तो इस तरीके से मैं इसको बना रही हूं ठीक है तो इसका मतलब ये है कि दे आर एनेशियोम ऑफ ईच अदर इंशियोमर्स जो मिरर इमेज हैं बट सुपर नहीं होंगे ठीक है तो दिस इज दर्स तो यहाँ पे कौन सी एडिशन की मैंने एंटी एडिशन याद रखना कि जब भी डबल बॉन्ड के आप बी करते हो हमेशा होती है है जैसे ठीक एंटी, एंटी तो मैकेनिज्म का क्या स्टेप हो सकता है यहाँ पे सही मैकेनिज्म अगर देखना है तो यहाँ पे ये वाला है एक्स एक्स में यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन तो अगेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो कहने का मतलब जो सही मैकेनिज्म जज किया गया वो ये था कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया नेगेटिव ने इसको ले लिया ये रेंडमली इसके ऊपर अटैक किया और ये प्रोडक्ट बन गया ये मैकेनिज्म गलत है मैकेनिज्म सही कौन सा है वो ये बता रहे हैं कि ये एक्स है जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वो इस तरीके से परपेंडिकुलर इसके बीच में आ गया अब ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या रहता है कि यहाँ पे ना हमारे पास इस तरह से आयन बन जाता है और एक्स नेगेटिव निकल जाता है इस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं हेलोनियम आयन इन दिस ब्रिज्ड हेलोनियम आयन इज फॉर्म्ड ब्रिज्ड ठीक है ब्रिज बन गया अब अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है एक्स नेगेटिव एक्स नेगेटिव ही है जो यहाँ से निकला तो ये अब एक्स नेगेटिव क्या करेगा बैक साइड से अटैक करता है और ये यहाँ निकल गया ड्यू टू अटैक बैक साइड अटैक ये वाले जो हैं, दे आर अपोजिट टू वन अनदर एक दूसरे के एंटी लगते हैं ठीक है तो दिस रिएक्शन इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन याद रखो दिस रिएक्शन इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रेक्शन we वी आर कॉलिंग इट अफिक रेक्शन ऐसी हमारे पास दो स्पेसिफिक मटीरियल अब स्टार्ट मटीरियल एक ही था बट वी आर गेटिंग द टू काइंड ऑफ थिंग्स जैसे एक प्रोडक्टेंट uh, था तो वी आर गेटिंग टू काइंड ऑफ अरेन्जमेंट हेयर तो दिस इज अटीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ठीक है तो दिस और यहाँ पे बनते दो हैं बट एक जो रहेगा दैट इज इन द वन इज प्रेजेंट इन द दाइएस्ट यील्ड वन इज प्रेजेंट इन द दाइएस्ट यील्ड ठीक है तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच वी आर हैविंग टू स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अ स्टार्टिंग मटेरियल एंड वन इज ऑपटेन इन द हाइस्ट यील्ड अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो आता है फंडा कि जो अगर सिस लेती हूँ मैं ठीक है मान लो सिस ब्यूटीन लिया मैंने इसमें मैंने ब्रोमीन की एडिशन की ठीक है तो भी मेरे पास दो अनशोमर्स बने ठीक है और अगर मैं ट्रांस लूंगी ट्रांस टू ब्यूटीन और उसमें मैंने ब्रोमीन की एडिशन की तो मेरे पास सिंगल मॉलिक्यूल आएगा दैट इज एक आयरल इन नेचर और वो होगा मीजो कंपाउंड प्लीज रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब कैसे एडिशन करनी है मैं आपको करके दिखाती हूं करो मेरे पास इस तरीके से मैंने ब्यूटीन लिख लिया ठीक है तो दिस इज सिस ब्यूटीन कौन सा केस है ये सिन का cis का केस है अब मैंने यहाँ पे क्या ऐड करना है ब्रोमीन की, again, partial positive, partial जैसे ये पड़े हुए थे मैंने उसको वैसे ही ड्रॉ कर लिया राइट तो दिस इज दिंग नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास न्यूक्लियो फाइल है बी आर नेगेटिव जो यहाँ से बचा हमारे पास वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है इट कैन अटैक हेयर तो यहाँ दो तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर इसने यहाँ पे अटैक किया बोल्ड वाला ए स्टेप मैं लिख रही हूँ तो वट इज प्रोडक्ट ब्रोमीन मेरा यहाँ पे आ गया कार्बन ये ऐसे ही पड़ा है अगेन स्टीरियो केमिस्ट्री रिमेन सेम और उसके बाद देखो अगर ये यह यहाँ पे गया तो रिंग ओपन हो गई तो अब हाइड्रोजन इसके ऊपर आ गया ऐसे सी एस थ्री मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और मैंने ब्रोमीन इसको अपोजिट ड्रॉ कर दिया अब अगर बी पाथ फॉलो करता है तो मेरे पास क्या बनेगा ब्रोमीन मेरे पास यहाँ पे लगेगा एच मेरा यहाँ पे रहा सी एस थ्री इज हेयर और अगर ये यह यहाँ पे अटैक किया तो ओपनिंग यहां से होगी ठीक है तो ब्रोमीन यहाँ पे गया तो दिस इज द प्रोडक्ट केस अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज जो मैंने बनाई थी मैंने दोनों के अकॉर्डिंग इसके पाथ के आंसर बना दिए अब देखो ध्यान से अब आपने स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है इस सेंटर की क्या है पहले मैं इस सेंटर की स्टीरियो केमिस्ट्री देख रही ठीक है तो यहां पे इसको आप ऐसे लिख लो सेकेंड सेंटर की सेंटर में ब्रोमीन फर्स्ट नंबर पे आएगा ठीक है तो सेकेंड ग्रुप मेरे पास रहेगा दिस वन ठीक है थर्ड और फोर्थ तो इसको घुमाया मेरे पास क्या बना आर ग्रुप ठीक है तो ये डैश लाइन पे होना चाहिए तो सेकंड जो है कार्बन पे आर कॉन्फ़िगरेशन आई थर्ड का चेक करो हमारे पास दिस इज द फर्स्ट ठीक है एंड दिस इज द सेकंड ग्रुप दिस द थर्ड ग्रुप अगेन यहां से रोटेट करके देखोगे आप तो इट इज थ्री आर टू आर एंड थ्री आर अब यहां पे देखो ठीक है इसके ऊपर तो दिस इज द फर्स्ट वन दिस इज द सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज थर्ड ग्रुप दिस इज द फोर्थ ग्रुप तो मैं समझ रही हूँ कि शायद ये आपको आता है तो आपने अपने अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करके देखना है ठीक है वन टू थ्री फोर सॉरी इट इज गोइंग लाइक दिस ठीक है तो यहाँ पे जो कॉन्फिग्रेशन रहेगी हमारे पास इट इज टू एस एंड थ्री एस कॉन्फिग्रेशन टू एस एंड थ्री एस कॉन्फिग्रेशन तो देखो कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है दोनों सेंटर्स पे इधर भी सेम आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों क्या है एक दूसरे के एनशोमर्स

ट्रांस का ट्रांस का कैसे करेंगे हम देखो ठीक है वो सेम ही है यहां सी एस थ्री यहाँ पे सी एच थ्री एंड इज एच ठीक है तो वी आर गोइंग लाइक दिस अब ब्रोमीन की एडिशन करवानी है अगेन इट इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो यहां पे कुछ भी नहीं है सेम पहले कॉन्फिग्रेशन ड्रॉ करो ठीक है ऐसे ड्रॉ कर लिया देन इट इज तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है अब ए बी पाथ में दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे ठीक है तो ए बी पाथ के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे दिस इज ए पाथ एंड दिस इज बी पाथ ए पाथ के अकॉर्डिंग जब अगर ब्रोमीन यहाँ पे एड हुआ तो मेरे पास टो नाउ अकॉर्डिंग टू ए पाथ वट वी आर गेटिंग दिस काइंडर यहाँ पे ये वाली कॉन्फिग्रेशन सी एस थ्री दिस बॉन्ड इज सेम और दिस बॉन्ड एंड दिसोकेमिस्ट्री सेम और ये एक दूसरे के अपोजिट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा सेकेंड पाथ में मेरे पास जो आंसर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा ठीक है जो प्रोडक्ट आएंगे वो इस तरीके से आएंगे ओके तो लेट मी चेक हमारे पास जो आया दैट इज दीज टू प्रोडक्ट ए एंड बी अब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है इसकी और इसकी अलग से ठीक है अब यहां से जब आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे सेकंड और थर्ड कार्बन की सेकंड और थर्ड कार्बन की ठीक है तो मैं एक बार इसको दोबारा इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसका कंफ्यूजन रहेगा नहीं तो आपको बीच में नंबरिंग का तो यहाँ पे जब हमने इसको नंबरिंग की तो देखो ब्रोमीन फर्स्ट नंबर पे होगा दिस इज द सेकंड ग्रुप दिस इज द थर्ड ग्रुप दिस इज द फोर्थ ग्रुप तो यहाँ पे सेकंड सेंटर पे सेकेंड सेंटर पे आर आ गया इस सेंटर पे चेक करो आप ठीक है इस सेंटर पे जब हम चेक करेंगे मैं ब्लू से बनाती हूँ तो ब्रोमीन इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ तो वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगेन ये क्या बना हमारे पास थ्री आर बट हमारे पास जो लाइन है ये सॉलिड लाइन पे हाइड्रोजन है लोअर प्रियोरिटी ग्रुप जो हमारे पास है वो डैश लाइन पे होना जरूरी है ठीक है तो ये नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको इन्वर्ट कर देंगे इसको बदल देंगे थ्री एस में ठीक है तो कॉन्फिग्रेशन मेरे पास क्या रहेगी आर एस कॉन्फिग्रेशन इज देयर सेम यहाँ पे इस सेंटर में चेक करो अगर मैं इस कार्बन पे चेक करूं इट इज वन इट इज टू इट इज थ्री एंड इट इज फोर तो वन टू थ्री फोर इस तरीके से आ रहा है ना हमारे पास ठीक है तो ये वाला अगेन डैश लाइन पे नहीं है तो मेरे पास ये क्या बन जाती है तो अगर यहां पे आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो अगेन वी आर गेटिंग आर एस कॉन्फिग्रेशन ठीक है चेक कर लेना कि सेंटर की क्या है आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल अगेन ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप चेक करोगे कि अगर मैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दू ठीक है प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैं डाल दूं तो इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे भी देख सकते हो सी एस थ्री एच के अपोजिट मैंने बी आर डाला और बी आर के अपोजिट एच डाला ठीक है ये वाला ठीक है इस तरीके से तो यहाँ पे ना मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज द दीजो कंपाउंड ये कौन से कंपाउंड है बस रिमेंबर रख लो कि दिस इज द मीजो कंपाउंड ठीक है मीजो कंपाउंड कॉन्फिग्रेशन सेम आ गई है ठीक है तो दिस इज द मीजो कंपाउंड क्लियर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमिट्री इज देयर नाउ नेक्स्ट थिंग हमारे पास फ्यू एग्जाम्पल आर देयर सपोज मेरे पास इस तरह की अल्किन है तो वी है तो एड करनी है तो मेरे पास क्या बन सकता है इसको ना ऐसे लिख सकते हो पी एच पी एच ठीक है आप इसको इस तरफ करोगे और सी एल सी एल मैंने इसको यहाँ पे एड कर दिया तो दिस इज अजो कंपाउंड ट्रांस है तो मीजो बनाना है याद रखो तो वो तभी बनेगा जब आप एक साइड पे इसको लिखोगे ठीक है नाउ सिस मॉलिक्यूल लिया मैंने तो कैसे करूंगी मैं सी एल टू सी सी एल फोर में हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स बनते हैं मैंने आपको पॉसिबिलिटी दिखा ही दी है यहाँ पे ऐसे कर लो या फिर इसको ऐसे कर लो ठीक है या फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे ठीक है सॉरी Cl H और H एंड Cl तो दिस इज काइंड ऑफ द एनैन्शियोमर्स दीस आर एनैन्शियोमर्स ठीक है तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि जब भी ट्रांस है वी आर गेटिंग द मिजो कंपाउंड अगर हमारे पास सिस है तो वी आर गेटिंग द काइंड ऑफ एनैन्शियोमर्स राइट तो फ्यू एग्जांपल्स आई एम राइटिंग विद द रिंग रिंग के साथ आपने जब रिएक्शन करनी है तो कैसे होगा को ब्रेक नहीं करना जो जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा डबल बॉन्ड के क्रॉस ब्रोमिन एड करना है अगेन वी आर हैविंग द एंटी एडिशन मैंने आपको बताया ही है एंटी एडिशन होगी एक को ऐसे बना दो एक को ऐसे बना दो और वट यू कैन डू हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये है एस पड़ा हुआ तो वी कैन ड्रॉ दिस विद द सॉलिड लाइन एंड डैश लाइन ऑन दिस साइड तो दे आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर राइट नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल जैसे मैं ये लेके चलू सी एस थ्री ठीक है तो अगेन हमारे पास दो तरीके की पॉसिबिलिटीज बनती हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनेंगी अगर सी एस थ्री ये खुद ही कर लेना है आपने अगर सी एस थ्री को आप इस प्लेन में बनाते हो तो जो सी एल हमारे पास लगेंगे वो एक एस प्लेन में लगा दिया एक मैंने इस प्लेन में लगा दिया ठीक है या फिर मैं क्या कर सकती हूं वी कैन डू द अपोजिट वेल एज वेल ठीक है हमारे पास ऐसा करें और ऐसा करें तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन में तो नहीं हो सकते ना अब तो गलत रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन है तो ऐसा कर सकते हो आप अगर सी एस थ्री को मैं यहाँ पे इसको बिलो द प्लेन दिखाती हूँ तो इसको मैं अब प्लेन ऐसे दिखा सकती हूँ तो दिस इज द राइट कॉन्फिग्रेशन तो इस तरीके से तो अगेन दीज आर दिन ऑफ इच अदर राइट तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर मैं इस तरीके से कुछ लेके चलू तो वट इज द एंड प्रोडक्ट तो यहाँ पे हमारे पास बी आर टू सी सी एल फोर दिया है तो अगेन वी हैव टू एड दिंग्स ब्रोमीन एड करनी है एक यहाँ पे एड होगी एक इधर एड कर दी मैंने ठीक है तो दिस इज द दिंग अब बात आती है अगर कंजुगेटेड डाइन हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्टे हम यहीं पे हैं तो पेपर में चांसेस भी ज्यादा इसके होते हैं एमसीक्यू के लिए तो अगर ऐसा कुछ है बीआर टू एड करना है तो हमारे पास ना ये दो प्रोडक्ट बनते हैं वी आर हैविंग दीस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ये मेजर बनेगा एंड दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट ठीक है तो अब हमें क्या पता चलेगा कि क्या बनाना है ये मेजर है सी मैकेनिज्म देखो अब अगर हमारे पास ब्रोमीन है तो एक जगह पे पहले मैं ब्रोमोनियम आयन बना देती हूँ ठीक है अब आपने ये रेक्शन में चेक करना होगा कि किस जगह पे आपके पास इतनी फ्री स्पेस है कि हमारे पास जो रेक्शन है वो इजीली हो सके ठीक है तो ये इन दिस वी हैव टू मेक द ब्रोमोनियम आयन एट वन एल्कीन जिस पे बल्कि ग्रुप्स नहीं लगे होंगे जो लेस सब्सटीट्यूटेड होगी उसमें पहले अटैक होगा तो ब्रोमोनियम ऐसे बन गया तो जो नेक्स्ट ब्रोमीन नेगेटिव है इट विल अटैक ऑन दिस साइड और ये यहाँ पे गया और रिंग ओपन होगी रिंग ओपन होने से हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना ये वाला प्रोडक्ट बना ठीक है तो दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी यहाँ से भी हो सकती है कि ये वाला यहाँ से अटैक करे ठीक है ये क्या किया हुआ है ये यहाँ से अटैक किया हुआ है और ये रिंग यहाँ से ओपन कर दी तो ये वाला प्रोडक्ट बनाया तो दिस इज माइनर प्रोडक्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास अगर ऐसी रिंग दी है तो हमारे पास क्या बनेगा वी आर गेटिंग दीज टू प्रोडक्ट ओके दीज आर

अनसेन भी है डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास पड़ा है और न्यूक्लोफिलिक सेंटर भी है तो हंड्रेड परसेंट साइक्लाइजेशन होगी साइक्लाइजेशन कैसे साइक्लाइजेशन होगी अब ये ओ एच मॉलिक्यूल पड़ा है ये यहाँ गया ये नेगेटिव और उसके बाद अगर सी एल टू बोला है एड करने के लिए तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिस बिकम नेगेटिव ये इसको ले लेगा ये निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बन गया दिस इज द एंड प्रोडक्ट ठीक है एच सी एल निकल जाएगा ठीक तो उसके बाद एक मॉलिक्यूल और करवाती हूं मैं लाइक वी आर डूइंग इन दिस मॉलिक्यूल ठीक है तो देखो पॉसिबिलिटी देखो मॉलिक्यूल जैसे जैसे चेंज हो जाते हैं आप पढ़ते हो अगर प्लस वन टू की बुक मैंने देखा है कि वीडियोस में कई लोग ये गाइड करते हैं कि एनसीआर पढ़ लो जी प्लस वन टू की बुक पढ़ लो दैट इज सफिशियंट देखो ये सरासर गलत बात है गलत गाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि कर ही नहीं पाओगे उस चीज से आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करने की नीड है अगर आपको ऐसा कुछ मॉलिक्यूल दिया गया है पेपर में बी आर और एन दे दिया तो पहली बात तो समझो कि दिस इज एसिडिक प्रोटीन और सबसे पहले जब भी ओ एच हो जाए इसकी विसिनिटी में कहीं पे भी एन पड़ा है तो पहले सॉल्ट बनेगा ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है उसके बाद आता है इसका कमांड ये रेक्ट नहीं करेगा पहले ये रेक्ट करेगा क्योंकि बहुत फास्ट रेक्ट करता है इसकी विसिनिटी में ये आ जाए तो सॉल्ट बन जाता है अब इसकी बारी अगेन ये है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो हम क्या कर सकते हैं हमें पता है कि डबल बॉन्ड है तो मैंने हर बार ये लिखवाया ब्रोमोनियम आयन बनाओ और ये मेरे पास एस एच पड़ा रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव तो हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है दिस नेगेटिव कैन गो हेयर एंड दिस रिंग विल ओपन ठीक है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ध्यान से देखना रिंग के एक हिस्से में ब्रोमीन लगा है दिस विल कम एंड दिस इज द प्रोडक्ट अब एन ए जो पड़ा है दैट इज फ्री ये बन जाएगा ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन if we are having this kind of ring i am not going to write the mechanism here cooh so, to so i2 add kar de in the presence of nahco3 to so reagent har bar change kar rahe hain to uski koi tension wali baat nahi hai to in this iodine comes here and this is the product okay, तो so, इसको try करो mechanism को खुद करने की कोशिश करना Next molecule we are having like this. ठीक है इसमें हमने ब्रोमीन ऐड किया इन दी प्रेजेंस ऑफ एन ए एच सीओ थ्री तो वट वी है कि ब्रोमीन NaHCO3 है तो सबसे पहले एसिडिक प्रोटोन निकल जाएगा तो मैं पहले इसको ऐसे बना रही हूँ ओ नेगेटिव लिख दिया ठीक है या एन ए पॉजिटिव साथ में लिखना है, मर्जी या नहीं लिखना तो भी आपका ठीक है उसके बाद ब्रोमीन ब्रोमीन यहाँ पे पड़े हैं इट इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो ब्रोमोनियम आयन यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा इस तरह से ठीक है क्या होता है कि अगर ये वाला ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएं, इट विल अटैक हेयर एंड दिस गो आउट तो वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है दिस काइंड ऑफ सॉरी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर ठीक है ब्रोमोनियम आयन मैंने ड्रॉ कर दिया दिस इज अगेन नेगेटिव ठीक है ये वाली ही मॉलिक्यूल देखो वन टू थ्री फोर फाइव अब अब देखना और four और five के बीच में क्या क्या लगाया है है मैंने मैंने ऐसे समझ ठीक लगा दिया मैं क्या करूंगी This is positive charge. Negative वाला इसके ऊपर अटैक करेगा ठीक है किस सेंटर पे अटैक करेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेंबर रिंग बनानी है तो यहाँ पे अटैक करेगा इट विल ओपन अप सिक्स मेंबर रिंग हमारे पास स्टेबल होती है ठीक है सॉरी दिस वेलकम हेयर तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा प्रोडक्ट ये वाला ठीक है यहाँ पे नहीं बन रही सिक्स रिंग तो दिस इज द एंड प्रोडक्ट तो दिस इज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हमने जिसको अटेम्प्ट करना है इसको समझना है ठीक है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ देर इज समाइनमेंट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट तो अगर मैंने कुछ ऐसा आपको मैंशन कर दिया ठीक है तो वट इज द एंड प्रोडक्ट दिस इज अर असाइनमेंट क्वेश्चन डू योर क्वेश्चन अगर ऐसा है तो वट इज द आंसर ओके तो जस्ट ट्राई कि आपको कितना कि समझ आया है इस रेक्शन में से सी एल टू सी सी एल फोर तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा समझ के मजा आया तो प्लीज रेक्शन को आप बता के जाए मेरे को कमेंट्स में कि कैसे आपको गेन uh, हुआ ओके okay? तो मेरा कहने का लास्ट एक पॉइंट फिर मैं रिप्रेजेंट करूंगी वही चीजें जो मैं आगे भी रिप्रेजेंट करती आ रही हूँ कि आप स्मार्ट वर्क करो ये नहीं है कि पढ़ के छोड़ दिया वो पढ़ा हुआ कहीं काम नहीं आ रहा इन क्वेश्चंस में आप देख रहे हो ये मेरा मोटिव है इस सीरीज को शुरू करने का क्योंकि दो आपने वीडियोस देख ली हैं तो दोनों में क्वेश्चंस का लेवल चेक करो आपकी कितना डिफिकल्ट है तो इतना इजी पेपर नहीं आता लेक्चरर के पेपर में मेरिटोरियस में हमेशा पेपर का लेवल दैट इज वेरी वेरी हाई ठीक है तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है मिलते हैं एक नई वीडियो में और अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करके जाना बाय